एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में अपने यहाँ पर बात करेंगे जो एशिया कप का आज के दिन का मैच होगा जो खेला जाएगा इंडिया वर्सेस नेपाल के बीच में। तो मुकाबले की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बस आपको करना क्या है, ये जो वीडियो है ना ये आपको लास्ट तक वॉच करना है। ध्यान रखना है बात, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये जो सारा मैच है वो टॉस के ऊपर डिपेंड करेगा कि इंडिया की टीम पहले बैटिंग कर रही है या बॉलिंग कर रही है, उस चीज़ पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होंगी, ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखना। मुकाबला स्टार्ट होगा 3 बजे दोपहर में। मैच खेला जाएगा पलेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कैंडी श्रीलंका में, जहां पर आपने पहले भारत पाकिस्तान का मुकाबला देखा था, यहीं पर बांग्लादेश और श्रीलंका का मुकाबला भी हुआ था। ये जो विकेट है भाई बॉलर्स को मदद करता है स्टार्टिंग में, स्विंग होता है बॉल, आपने देखा होगा सईद शाह अफरीदी और नसीम शाह का बॉल बहुत अच्छा स्विंग हुआ था। 240 से 280 के बीच में स्कोर बनता है। अब आप यहाँ पर देखो दो मैच हो चुके हैं इस सीज़न, एक तो देखो चेज हुआ था और दूसरा जो मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान वाला वो एक इनिंग हुई थी, पूरा नहीं हुआ था। लेकिन जो दो मैच अब तक हुए ना उसमें आप देखो फर्स्ट इनिंग में फास्ट को 15 विकेट, स्पिनर्स को मात्र 4 विकेट, सेकंड इनिंग में 2 विकेट फास्ट को, स्पिनर्स को 3 विकेट। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर अच्छा करते हैं। अब देखो इंडिया की टीम की बात कर लेते हैं, पहले तो इंडिया का पहला मैच नो रिजल्ट रहा था। ओपन करेंगे यहाँ से रोहित और शुभमन गिल। रोहित शर्मा ने यहाँ पर पहले मैच में 11 रन किए थे और आउट हो गए थे, अच्छे टच में लग रहे थे लेकिन एक अच्छी बॉल गिरी और आउट हो गए थे। लेकिन मेरे हिसाब से नेपाल के खिलाफ ये अच्छा कर सकते हैं और इस ग्राउंड पर इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, 4 मैच 193 रन है, ऊपर मैंने करियर का रिकॉर्ड भी लिखा हुआ है। गिल है, गिल का हाल फिलहाल का फॉर्म उतना खास है नहीं, 10 किए थे, लेकिन सामने अपोनेंट वीक है तो आज डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं। वेन्यू पर एक मैच में 10 रन है जो लास्ट मैच खेला था और रिसेंट फॉर्म 7-34-85 है। विराट कोहली 4 रन पर आउट हुए थे वेन्यू पर, इस वेन्यू पर भाई इनको पता नहीं क्या हो जाता है, बहुत ख़राब रिकॉर्ड है यहाँ पर, 4 मैच 34 रन 8 का एवरेज है, लेकिन रिसेंट फॉर्म अच्छा है और कमज़ोर टीम है तो आज अच्छा कर सकते हैं। अय्यर है, अय्यर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कब रहेंगे, जब इंडिया की टीम पहले बैटिंग करे, क्योंकि अगर सेकेंड बैटिंग करेंगे तो हो सकते हैं कि अय्यर की बैटिंग ही नहीं आए। इनके नाम आप देखो तो 43 ODI में 1665 रन है, वेन्यू पर एक मैच में 14 रन है, रीसेंट फॉर्म भी देखोगे 82-3-28-28-38 हैं और पाकिस्तान के खिलाफ भी 14 रन बहुत अच्छे बनाए थे इन्होंने। वो तो क्या हुआ, इनका जो शॉट मारा था भाई बहुत अच्छा पुल शॉट मारा था लेकिन सीधा हाथ में चला गया। ईशान किशन 82 रन किए थे पहले मैच में और बहुत अच्छी फॉर्म में, इससे पहले भी 3 ODI में आप देखो 52-55-77 है। हार्दिक पांड्या 87 रन किए थे और बॉलिंग भी थोड़ी बहुत यहाँ पर कम से कम 4-5 ओवर तो डालेंगे। रिसेंट फॉर्म 5-1-7-0-70 है, इस वेन्यू पर 3 मैच में 87-2 विकेट है। रविंद्र जडेजा 14 रन किए थे, बॉलिंग तो किसी की आई नहीं थी क्योंकि सेकंड इनिंग हुई नहीं थी, वेन्यू पर एक मैच में 14 रन, रिसेंट फॉर्म 16-3-10-0-8-0 है। शार्दुल ठाकुर 3 रन किए थे और रिसेंट फॉर्म 1-1-16-3-4 विकेट है, रिसेंट फॉर्म अच्छा है और ये अच्छा करता है बंदा। कुलदीप 4 रन किए थे, रिसेंट फॉर्म आप देखो ODI में 4 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, बहुत अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं ये, इंपॉर्टेंट रहेंगे। समी आज खेलेंगे क्योंकि बुमराह यहाँ पर है नहीं, बुमराह वापस इंडिया आ चुके हैं तो। और इनके नाम अगर आप देखोगे यहाँ पर तो वेन्यू पर कोई मुकाबला नहीं है, रिसेंट फॉर्म की बात करो तो 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट है, T20 का रिसेंट फॉर्म है लेकिन अच्छा है। फिर आएंगे सिराज जो कि पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे और बहुत क्रूशियल आपके लिए रहेंगे क्योंकि विकेट मिलने वाले हैं इनको डेफिनेटली, एक नो डाउट है। वेन्यू पर एक मैच में 1 रन है, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट है। अब देखो ध्यान रखो कि अगर आप 10-1 का कॉम्बिनेशन बना रहे हो, मतलब 10 प्लेयर एक टीम से आप जहां पर ले सकते हो तो वहां पर मैं इंडिया के 10 प्लेयर रखूंगा, स्पेशली कब, जब इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करेगी उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा। देखो इंडिया अगर पहले बॉलिंग करेगी तो मैं यहां से रोहित, शुभमन गिल, विराट को रखूंगा और नीचे से भी मैं ईशान किशन, हार्दिक जडेजा, शार्दुल, कुलदीप, शमी और सिराज सबको रखूंगा अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बना रहे हो 7-4 का कॉम्बिनेशन और इंडिया की टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो उस कंडीशन में आप क्या करना, आप रोहित को रखना, आप गिल को रखना, इसके अलावा आप विराट को रख लेना, टॉप 3 रख लेना, ईशान किशन को मत रखना फिर उस कंडीशन में। फिर नीचे से आप रखना 4 बॉलर, इंडिया के जो 4 मेन बॉलर आपको लगते हैं, मेरे हिसाब से कुलदीप, समी, सिराज और यहाँ पर शार्दुल या फिर जडेजा में से कोई एक, ये 7-4 का कॉम्बिनेशन जब आप बनाओगे तब ट्राई करना। लेकिन अभी मैं जो आपको बताऊंगा वो 10-1 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बताऊंगा। बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर है इंडिया के, वैसे कोई खेलेगा नहीं, अगर खेलता है तो स्टेट्स मिल जाएंगे,
स्टार्टिंग के डालेंगे सिराज और समी, डेथ में आएंगे समी, सिराज और ठाकुर। सामने जो टीम है नेपाल की टीम पहला मैच पाकिस्तान से हारी थी। ओपन करेंगे आसिफ शेख और कुशल बुटले। देखो आसिफ शेख 5 रन करके आउट हो गया था, टीम का विकेट कीपर है। ODI में 42 मैच में 1192 रन है, रिसेंट फॉर्म ODI में 8, 66, 12, 28, 0 है। अगर देखो आप 7-4 का कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो वहाँ पर ईशान किशन की जगह आप इनको पिक कर सकते हो, बाकी 10-1 में तो बिल्कुल नहीं रखना। कुशल बुटले 8 रन 0 विकेट है एक ओवर डाल के, अच्छा प्लेयर है ये, सबसे अच्छी बैटिंग कर सकता है। रिसेंट फॉर्म 39, 5, 27, 35, 0 विकेट, 8 रन है। रोहित पोडेल इनके कप्तान, 0 रन किया था, 53 ODI में 1469 रन 0 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 16, 30, 33, 4, 29 है। आरिफ शेख आएंगे, 26 रन की इन्होंने अच्छी पारी खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ, ODI में 48 मैच में 904, 6 विकेट है। सोमपाल कामी ये आपको पावर प्ले में बॉलिंग देगा, और अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है तो डेथ में भी आता है, ध्यान रखना। 28 रन 2 विकेट इसके नाम थे पाकिस्तान के खिलाफ, अच्छा खेला था बंदा इसने। यहाँ पर आप देखो नसीम शाह, सईन शाह अफरीदी सबको फेस किया था, हरीश श्रॉफ, लेकिन अच्छा लगा था बंदा। 48 ODI में 566, 65 विकेट है। गुलशन जहाँ 13 रन 0 विकेट था, ओवर डाले थे इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लेकिन पिटे थे। रिसेंट फॉर्म 15, 1 विकेट, 12, 1 विकेट, 57, 1 विकेट है। अगर 7-4 का कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो ट्राई कर सकते हो। दीपेंद्र सिंह एरी 3 रन किए, 6 ओवर डाले, विकेट लेस थे, 51 मैच में 860, 36 विकेट है। ऑफ स्पिनर है तो इंडिया के खिलाफ हो सकता है उतनी बॉलिंग ना मिले, क्योंकि इंडिया में राइट हैंडर थोड़े से ज़्यादा हैं। कुशल मल्ला 6 रन किए थे, बॉलिंग इनको नहीं मिली थी, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करवा सकते हैं। 28 मिनट में 632, 18 विकेट है। लमी छाने को 1 विकेट मिला था, पहले अगर बॉलिंग करती है लमी छाने वाली टीम तो आप ट्राई कर सकते हो, बाकी सेकंड इनिंग में मैं नहीं रखूंगा अगर इनकी सेकंड बॉलिंग करेगी। करण कैसी पहली इनिंग में बहुत अच्छा बॉलर है, क्योंकि पावर प्ले में भी आता है और डेथ में भी आता है। 7 रन 1 विकेट इसके नाम था, और रिसेंट फॉर्म भी आप देख लो, 4 विकेट, 28, 1 विकेट, 1, 0 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट है। ललित राजवंशी ने भी 10 ओवर डाले थे, विकेट लेस थे। अब देखो अगर मैं यहाँ पर 10-1 के कॉम्बिनेशन से जाऊँगा तो मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एकमात्र प्लेयर रखूँगा जो कि है सोमपाल कामी, लेकिन अगर आप 7-4 के कॉम्बिनेशन से जा रहे हो तो उस कंडीशन में आप सोमपाल कामी रख लेना, एक प्लेयर हो गया। दूसरा आप रख लेना आसिफ शेख, जो कि क्योंकि आप फिर आपको ईशान किशन को छोड़ना पड़ेगा 7-4 में, तो आसिफ शेख को रख लेना। इसके अलावा जो तीसरा और चौथा प्लेयर रहेगा मैं एक रखूँगा करण केसी, और एक या तो आप लमी छाने को रख लेना या फिर आप गुलशन झा के साथ जा सकते हो। तो ये 4 प्लेयर आप रख लेना अगर 7-4 बना रहे हो। बाकी बेंच में जो भी प्लेयर है कोई खेलता है स्टार्ट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग की ओर कैसे करण, सोमपाल कामी, डेथ में सोमपाल कामी, करण कैसे और संदीप लमी छाने। एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं डेमो टीम की तरफ। अब भाइयों नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिल जाएगा डेमो टीम, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना जरूरी है। आपको बता भी दिया मैंने क्यों जरूरी है, क्योंकि इस मैच में टॉस पर पूरा गेम डिपेंड है, तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना। अगर आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हो तो वीडियो के टाइटल में जाना, मोर पर क्लिक करना, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पर जैसे ही क्लिक करोगे तो जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अभी यहाँ पर अपन देख लेते हैं डेमो टीम। तो भाइयों अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करती है तो मेरा 10-1 का कॉम्बिनेशन ये रहेगा। मैंने यहाँ पर किशन को रखा है, रोहित, विराट, गिल को रखा है, और ऑलराउंडर सेक्शन से जडेजा, हार्दिक को रखा है, और बॉलिंग सेक्शन से सोमपाल कामी, मोहम्मद शमी, सिराज, कुलदीप, शार्दुल ठाकुर को रखा है। कैप्टन मेरे कुलदीप, वाइस कैप्टन शमी है। यहाँ से आप सिराज को भी CVC कर सकते हो। ये मेरे 10-1 की टीम है, 7-4 की और यहाँ पर 10-1 की दोनों की टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे आफ्टर टॉस। तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में दिया हुआ है। धन्यवाद।